हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना सारा समय अपनी पढ़ाई में लगा रहे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिजन घटनाचक्र की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें कि अब हम लेकर आए हैं पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि आज हम समाप्त करेंगे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियाँ। हम सब जानते हैं कि संविधान सभा ने कुछ समितियों का गठन किया था, उन समितियों में से जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। हमें पता है कि संविधान सभा ने अपने काम को बांट दिया था, जैसे कि इजी तरीके से और बहुत अच्छे से अपना काम कर सके, तो उसने कुछ समितियों का गठन किया था। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष का हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये थी हमारी कुछ समितियां और ये उनके अध्यक्ष। सबसे पहली समिति संघ संविधान समिति। कौन से दोस्तों? संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। ध्यान देना, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के मुख्य जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके फिर आगे दो ऑप्शन बने, तो एक मूल अधिकार उप समिति जे बी करपलानी, ऊपर वाली समिति है, समिति के हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप समिति के अध्यक्ष हैं जे बी करपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के हैं एच सी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू जी और प्रांतीय संविधान समिति के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, और प्लीज़ आप चाहे तो इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी जी एंड संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्रिंट हो चुके होंगे। आइए नेक्स्ट, इनके बाद इनका एक्सप्लेनेशन है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी समेत कुल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी उसमें भीमराव अंबेडकर जी समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी आयंगर। ध्यान देना दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। तो इनमें कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान, ये शामिल थे। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो आपको ये 7 में से 6, क्योंकि एक तो खुद भीमराव अंबेडकर जी हैं, उसके अलावा 6 और 2 आठ नाम याद होने चाहिए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सको। नाम क्या क्या हैं? एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। बी एल मित्र के स्थान पर बाद में एन माधव राव आ गए थे और डी पी खेतान जी की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी आ गए थे। ठीक है, तदर्थ झंडा समिति। जो झंडा समिति थी उसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया था? 23 जून 1947 को किया था और इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस समिति के? झंडा परिषद। जो झंडा समिति थी उसका गठन किया किसने था? संविधान निर्मात्री परिषद ने। कब? 23 जून 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और उनके अन्य सदस्य थे कौन? अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राज गोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? क्वेश्चन की ओर। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं जिससे कि पता लग जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने पढ़े थे संघ संविधान समिति, बी आर अम्बेडकर, जे बी कपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या बताइए बी आर अम्बेडकर थे, या पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने पढ़ा था इनके अध्यक्ष था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो दोस्तों अन्य पूछा है, कुल मिला के 7 सदस्य थे, लेकिन उनसे पूछा है अन्य, भीमराव जी से अलग, तो कितने हो गए? 6। याद रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन अगर होता कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो आप लिखोगे 7, लेकिन अगर पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा में अन्य कितने सदस्य थे तो उसका जवाब आपका आएगा 6। संविधान पांडुलेखन समिति क्या है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन संविधान समिति के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं था, कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन नहीं थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के एन गोपालस्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, एन गोपालस्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये थे कि नहीं थे? थे दोस्तों, एन गोपालस्वामी भी थे और कृष्णस्वामी अय्यर भी थे। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? कब किया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए इनका गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष अभी आपने पढ़ा था कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनके अलावा 20 में कुछ मेंबर थे, वह कौन थे? वे थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे
क्या है, कुछ क्वेश्चन थे इससे संबंधित आपकी समिति से। तो अगर आपने एक बार इनको बड़े ध्यान से पढ़ लिया और सुन लिया समझ लिया तो समिति के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका विद इन ए सेकेंड जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे मटेरियल के साथ, जिसमें कि हम अगली वीडियो में दोस्तों बताया तो हूँ आपको, अगली वीडियो हमारी होगी संविधान का स्रोत, कि हमारा संविधान जो बना हुआ है उसमें कौन सा आर्टिकल किस देश के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए मटेरियल के साथ। राम राम दोस्तों।